नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ सूर्यवंशी के 33 डेज के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस के बारे में। जहाँ दोस्तों आप सोचोगे यार बस कर दे, अब बंद कर दे, बहुत प्रेडिक्शन हुआ। मैं ये कहूंगा कि प्रेडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि कलेक्शंस हो रहा है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि 4 हफ्तों के बाद जब भी फिल्म OTT पर आएगी तब इसका प्रेडिक्शन बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगा उसके बाद कलेक्शंस होगा नहीं, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। उसके बाद भी कलेक्शंस हुआ और 5th वीकेंड में इस फिल्म ने कमाल का कलेक्शंस किया है, जिसे आपको पता ही है। 4th वीक तक इसका टोटल था 191.36 करोड़, फिर 5th वीक में फ्राइडे 36 लाख, 66 लाख तीसवें दिन यानी कि सैटरडे को, और संडे को 99 लाख, टोटल 193.37 करोड़ हो गया था। उसके बाद इस फिल्म का मंडे का कलेक्शंस जो आया, जो अभी तक आया नहीं एक्चुअली, तो मेरा ऐसा मानना है कि मंडे का कलेक्शंस, क्योंकि प्रेडिक्शन मैंने 20 से 40 करोड़ लाख का दिया था, इसका प्रेडिक्शन के हिसाब से मंडे का मान लीजिए 30 लाख आया है और इसका टोटल हुआ है 193.68 करोड़ इसका टोटल आफ्टर 32 डेज। तो 33वें दिन आज जो इसका जो प्रेडिक्शन है मेरा 15 से 30 लाख के रेंज में है। मुझे उम्मीद है 15 से 30 लाख के रेंज में फिल्म कलेक्शंस करेगी और आज का टोटल मिलाकर इसका हो जाएगा 193.83 करोड़ से लेकर 193.98 करोड़ तक का, यानी कि आज किसी भी हाल में इस फिल्म के जो चांस है वो 194 करोड़ तक पहुंचने के है, और अगर आज नहीं पहुंच पाई तो ये कल पक्का पहुंचेगी। और जिस तरह से ये फिल्म चल रही है या ट्रेंड हो रही है, ये फिल्म 197-198 करोड़ से नीचे जाकर नहीं मानेगी, वहां तक इसका पहुंचना पक्का लग रहा है। और उम्मीद करते हैं अगर ये 6th वीकेंड में जंप लेने में कामयाब साबित हुई तो बहुत अच्छा कलेक्शन टोटल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं वापस आपको बता देना चाहता हूँ, ये फिल्म OTT पर आ चुकी है और इसका 197-198 करोड़ का भी कलेक्शन जो है बहुत बढ़िया कलेक्शन है। और ऐसे में मुझे बिल्कुल लगा नहीं था कि पोस्ट कोविड टाइम में किसी भी फिल्म को 1 महीने से ज्यादा रन मिले, 1 महीने का 2 हफ्ते का भी रन सोलो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सूर्यवंशी फिल्म को ना केवल सोलो रिलीज मिली बल्कि इसको अच्छा खासा रन मिला, और कई सारी फिल्में आने के बावजूद इसका टोटल कलेक्शन चलता है। इसका मतलब साफ है कि जनता जनार्दन ने इस फिल्म को थम्सअप दिया है और प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को सुपरहिट टैग ऑलरेडी दे दिया है। तो आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में? और मेरा ऐसा मानना है ये जो 190 या 193 करोड़ का कलेक्शन, नॉर्मल सिनेरियो में कलेक्शन 320-325 करोड़ का होता, उससे कम नहीं होता।